कहानी हमारा गाँव के ह, हम केहू के नाम ना लेब, लेकिन हमारा गाँव में कुछ ऐसा भी लोग बा कि रउआ लगे अगर कुछ पैसा बा तो पोल्हा के रउआ से 50,000 या 1,00,000 रुपया ब्याज पर ले ली। रउआ तो ब्याज लेवे के जे बा से कि फेरा में रउआ लालच में पड़े और ओकरा के ब्याज पर रउआ रुपया दे दे। कुछ दिन जैसे ही बीती अब रउआ सोचे कि अब ब्याजवा तो हमारे ढेर हो गए, ब्याजवा लेवल जरूरी बा। अब मान ली कि देखी रउआ हमारा गाँव में केहू के अगर 50,000 रुपया दे देनी, हम नाम केहू के नहीं रखत, 50,000 रुपया दे देनी केहू के ब्याज पर, 50,000 रुपया रुआ ब्याज पर दे देनी। अब ई जे ब्याज से ब्याज चल रहल बा, अब ई जौन पार्टी जौन ब्याज पर जौन ई रुआ से ले ले बटे रुपया, अब ई का करी दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा दिमाग लगाई और रउरे जमीन रउरे संपत्ति जे बा केहू और के हाथे बेच दी। अब राउर जमीन जब दूसरा के हाथे बेचा जाए और कोनो संपत्ति अगर बा बहुत महंगा संपत्ति बा और रउर संपत्ति के केहू और के हाथे कोई और बेच देवे और ओकर लाभ जब उ उठा ली तो रउआ ऊपर क्या बीती। अब रउआ जब ओकरा ऊपर कुछ एक्शन ले रउआ ओकरा से पूछे जाए तो जानता नहीं क्या कही, कही कि हई रुपयावा लेब तो हई जमीनवा ना मिली, आ जमीनवा लेब तो रुपया ना मिली। ई हो गेल राउ जमीन, ई हो गेल राउ जमीन। अब रउआ तय करे के बा कि रउआ हई रुपया लेम आ कि हई जमीन लेम, रउआ तय करे के बा। बाकी रउआ लोगन के भी अगर गांव में ऐसा कुछ सिस्टम होई, ऐसा घटना घटत होई तो हमरा के कमेंट बॉक्स में जरूर बताए।